हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक डीआईवाई करेंगे जिसके लिए आपको ये कोई भी आपके चॉकलेट या कोई स्वीट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स का कुछ ऐसा डिब्बा होगा तो आपको उसको लेना है और ये हम लोग इससे एक डीआईवाई ट्रे बनाएंगे। तो इस तरीके का उसमें कुछ गोल्डन कलर के इसमें लगे हुए थे तो ये एक्चुअली ड्राई फ्रूट का ये है बॉक्स है, तो इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया और इसके जो अंदर का ये गोल्डन कलर का है उसको भी आप कट करके कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको ये लंबा ही लंबा रखा हुआ है, तो ये कुछ स्क्वायर हैं, कुछ रेक्टेंगल टाइप हैं उस तरीके से, बट इट डिपेंड है आपको किस तरीके से करना है। आप इसको ट्राइंगल कट कर सकते हैं, सर्कल कट कर सकते हैं, कैसे भी शेप में आपको इस गोल्डन कलर के जो अंदर का जो मटेरियल था उसको आपको कट कर लेना है और आपको इसको रेंडमली कैसे भी आपको इसको इसमें अटैच कर देना है जो नीचे वाला बॉक्स है। तो मैं कुछ इस तरीके से, ये कोई साइज़ मैंने नहीं लिया है, कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, इसको नॉर्मल जिस तरीके से भी वो बॉक्स था उसको मैंने रैंडमली कट कर लिया है बस। तो अब मैं इसको ग्लू से चिपकाना है हम लोगों को किसी भी तरीके से, मतलब आप रैंडमली कैसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत ये कॉर्नर पे जो ये साइड से कटे हुए थे ट्राइंगल टाइप में उस तरीके से उनको लगाया है ताकि वो बैठ भी जाए अच्छे से। ग्लू से, फेविकोल या फिर ग्लू गन आता है किसी से भी चिपका दीजिए, पेपर ही है तो आराम से चिपक जाता है, उसमें स्टिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए। तो मैंने ये यहाँ पे इस ट्राइंगल ऐसे लगा दिए हैं और हम लोग फिर इसके बाद हम लोग इसको बीच में हमारा जो कलर रहते हैं वाटर कलर, एक्रेलिक कलर है जो, उससे हम लोग इसको पेंट, जो आपको जितना भी वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है आप उसको पेंट कर सकते हैं। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप जो ये वाइट दिख रहा है उससे पहले आप कुछ पेपर लगा लीजिए और पहले से कुछ पेंट कर दीजिए। मैंने वो पेंट पहले नहीं किया है, मैं अभी पेंट करूँगी, जैसा भी आपका मन उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा बन गया है। अब इस वाइट वाले जो पोर्शन आपको जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पर मैं पेंट कर दूँगी। कोई सा भी कलर का चॉइस ले लीजिए आप फुल एक ब्लू ऑरेंज कोई से भी, पूरा बैकग्राउंड सेम कलर में भी पेंट कर सकते हैं, शेड्स में भी पेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पेंट कर सकते हैं। मैंने अब यहाँ पे ये एक्रेलिक कलर ले रही हैं सारे। ब्रश को हल्का सा गीला करने के बाद हम लोग इसमें, अभी हमने पहले गोल्डन कलर का ये लगा दिया तो थोड़ा केयरफुली हमको पेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं पहले सोची थी बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट आप लोगों को मैं ज़रूर ये टिप्स देती हूँ कि आप पहले से पेंट कर लीजिए नीचे जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन रखना है, उसके बाद आप ये गोल्डन कलर का जो डिज़ाइन है वो आप पेस्ट कीजिए इसके ऊपर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कोई भी रैंडम कलर लिया है, मैंने ऐसा कुछ ये नहीं कि मैंने यहाँ पे ऑरेंज करूँगी ब्लू करूँगी, जो भी कलर मेरे को पसंद है बीच बीच में वो मैं रैंडमली इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए थोड़ा साइड में हल्का हल्का गोल्डन जो हम लोगों ने कटिंग लगाई है डिज़ाइन उस पर कलर लग रहा है। तो फाइनली सी अब ये ट्रे हमारी बनके रेडी है। तो मैंने कहीं पे ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, रेंडमली ऐसे कलर जितना भी जहाँ पे भी वाइट वाइट दिख रहा था मैंने पूरा वहाँ पे कलर से फिल कर दिया। तो अब हमारी ये ट्रे तैयार है, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से, डेकोर में आप कहीं पे प्लांट वगैरह रखना है उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये। सो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, डू लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। इसमें कुछ भी हम लोगों का एक्स्ट्रा पैसे वगैरह नहीं लगे, ऑफ कॉस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। तो आप इसको इस तरीके से रिमोट रख के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ पॉट टेबल पे भी, सेंटर टेबल पे भी आप रखने चाहें तो ऐसे कुछ आपका प्लांट होगा वो प्लांट रख के, और ऐसे कुछ भी आप डेकोर के सामान रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। ये कुछ एक दो आइडियाज़ में ऐसे मैंने इसको यूज़ किया। मैंने इसको बेसिकली अपनी टीवी के साइड में ही यूज़ कर रही हूँ जिसमें रिमोट कुछ भी कभी कभी एक्स्ट्रा कीज़ वगैरह जो होती है वो हम लोग रख देते हैं, और आप इस तरीके से कोई छोटा सा प्लांट वगैरह रख के। ये एक मैंने एक और डीआईवाई किया था, ये जो
पिस्ता आते हैं उसके शेल का ये फ्लावर है तो मैंने चुपका के बनाया हुआ है। तो आप ऐसे भी कोई भी शो पीस का सामान रखिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।